हेलो गाइस, दिस इज शाजिद दिस साइड एंड वेलकम टू जूम कॉमर्स। सबसे पहली बात तो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसको हिट कर दो और उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना ताकि यू डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ही वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, सो दैट इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर नेट अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले, आई गेस ये है हमारी वीडियो नंबर 4 पार्टनरशिप अकाउंट की। ठीक है, तो आज हम लोग गुडविल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो गुडविल होती क्या है? देखो, ये वो चीज होती है, ठीक है, गुडविल एक तरीके का इंटेंजिबल असेट होती है। इसकी इंटेंजिबल असेट होती है। अब मतलब इंटेंजिबल असेट होती है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको खाली हम लोग फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एलजी, ठीक है, हमें जब नाम सुनाई देता है एलजी एप्पल, तो हम ऑटोमेटिकली उसको प्रोड्यूस करते हैं। यहीं पे एक नया ब्रांड आ जाएगा कहीं से, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड ब्रांड है, ठीक है, तो हम लोग उसको लेने में सोचेंगे, है ना, क्योंकि एलजी वगैरह मतलब कंटिन्यूसली मार्केट में है, अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वैल्यू प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो एक गुडविल इनकी हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर जब एंटर होता है, एडमिशन होती है या रिटायरमेंट होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग गुडविल को भी वैल्यू करते हैं। क्यों वैल्यू करते हैं गुडविल को? देखो, मैंने एक फॉर्म बनाई आपके साथ में, हम दोनों पार्टनर्स थे। अब हमें लग रहा है कि यार हमें थोड़ा और कैपिटल की नीड है या और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए हमें एक सी कोई बंदा है, उसको एज अ पार्टनर हम लोग एडमिट कर ले अपने उसमें। अब हमने तो अपनी फॉर्म को अच्छे से डेवलप कर दिया, ठीक है, अब जो सी आएगा तो हमें अपना कुछ ना कुछ तो हिस्सा उसको प्रॉफिट का देना पड़ेगा, है ना। और ये जो अब तक का नाम और फेम ये सब कमाई है, वो किसने कमाई है? मैंने और आपने, ठीक है, तो इसके बदले उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। हम उसको भाई मतलब प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो वो उस टाइम पे गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट होता है, वो गुडविल का अमाउंट वो हमें देगा, ठीक है। तो वहां पे नीड अराइज होती है गुडविल को कैलकुलेट करने की, और अगर रिटायरमेंट कोई पार्टनर ले रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं ताकि उसको उसका हिस्सा दे दे, उसका नाम और फेम जिसके लिए उसने मेहनत करी है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा मतलब होता है, ठीक है, गुडविल का। बहुत ज्यादा डीप में मतलब पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग मेथड्स पे ही ज्यादा फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन आपके पोटक होते हैं, ठीक है। अब देखो, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है वो एकदम प्राइम लोकेशन पे है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमारी ना मार्केट सिचुएशन अच्छी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हेल्प करती हैं गुडविल को रेज करने में, हमारा नाम बनाने में, है ना। एक अच्छी सी जगह पर अगर हमने कोई बिजनेस डाला हुआ है एकदम मेन लोकेशन पे, तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे नाम कमा लेगा, है ना। एकदम आउटर कहीं एरिया पे जाके डाल देंगे तो इफेक्ट करेगा। अभी देखो, नीड फॉर वैल्यूएशन, कहाँ कहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी जरूरी होती है। मैंने क्या बताया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के में, एक तो तब एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में, अमालगमेशन ऑफ फर्म्स में, ठीक है। अभी हम लोगों को ये चार की ही जरूरत है, ठीक है, ये चार की, सॉरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में, ठीक। बात करते हैं पहले मेथड की हमारे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अच्छा ये जितना भी चीजें हो जाएंगे टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको साथ बाय साथ सॉल्व कराती जाऊंगी, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोई सेंस नहीं बताया, पहले आपको कॉन्सेप्ट आता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगी, कोई सेंस नहीं बन रहा उसका, है ना। आप लोग रट्टा मार लोगे फिर, और रट्टा वेकेशन तो कभी काम नहीं आता। देखो, पहला मेथड है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि पास्ट में जितने भी प्रॉफिट्स हमारे हुए थे, जैसे मान लो 3 साल 4 साल में जितने हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसी का एवरेज लेकर के इन फ्यूचर भी उतना ही प्रॉफिट होगा। अब जैसे कोई एक बंदा है सी, जिसको हम लोग एडमिट कर रहे थे अपनी फॉर्म में, अगर ये कोई नई फॉर्म बनाता है या किसी नई फॉर्म को एस्टैब्लिश करता है, तो स्टार्टिंग में इसको तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला ना, कि स्टार्टिंग की फॉर्म में तो प्रॉफिट नहीं होता है ना, पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, पहले तो हम अपनी कॉस्ट ही निकालते हैं, क्योंकि है ना कोई भी, जैसे अगर आप खुद ही हो, अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप किया तो वहां पे बहुत सारा इन्वेंटरी लगाओगे, सामान लेके आओगे, गुड्स लेके आओ, जो चीजें लेके आओगे, तो पहले तो उसकी कॉस्ट निकालोगे, प्रॉफिट तो उसके बाद होना चालू होगा। अब अगर एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में अगर हम इसको एडमिट कर रहे हैं, मैंने और आपने तो भैया सब कुछ कर दिया है ना, अब कॉस्ट तो निकल आई है हमारी, अब हमें प्रॉफिट होने लग गए, अब हम ये अगर आएगा एडमिट होगा सी, तो इसको तो डायरेक्टली प्रॉफिट मिल रहा है ना,
तो इसके लिए इसको कुछ तो हमें पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है उस कॉस्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट जितने भी हो रहे हैं 3-4 साल से, कि इन फ्यूचर भी होंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस गुडविल, द गुडविल देयरफॉर शुड बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पास्ट एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ इयर्स ड्यूरिंग व्हिच द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अक्रू। यानी 4 साल के पिछले के जो प्रॉफिट्स हैं उनका एवरेज लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि 4 साल लेंगे, वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कितने साल का आपको एवरेज लेना है। ठीक है, और हम लोग ये मतलब मान के चलेंगे कि इन फ्यूचर भी इतने ही प्रॉफिट्स लगभग होंगे। ठीक है, लगभग इतने ही प्रॉफिट्स होंगे, 3-4 साल जितने भी ये एवरेज प्रॉफिट्स होते रहेंगे अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग लेते हैं अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 12। अच्छा, जिसको भी ये PDF चाहिए होगी वो मेरे ब्लॉग चैनल पे जा सकता है www.zoomcommerce.com पे, वहाँ पे ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ द फर्म, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। 4 ईयर्स परचेज पे कैलकुलेट करना है हमें, और प्रॉफिट कितने सालों का दिया हुआ है, 5 साल का, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी ये 5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं जिनका हमें प्रॉफिट दिया है, इनका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये 5 सालों का प्रॉफिट दिया था हमें, ये था प्रॉफिट कुछ, पहले तो हम लोग ने इसका टोटल दिया। एवरेज निकालने के लिए हमें मालूम है हमें टोटल से नंबर को डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये कितने नंबर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन में भी ऊपर दिया हुआ था हमारे पास में कि क्या दिया था, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 5 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है, इस मेथड में मतलब, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो ये दिया है, बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा आंसर, यही हमारा गुडविल है। इसमें से हम लोग ने जो सी को एडमिट किया है उसका शेयर कैलकुलेट कर देंगे, जितने भी शेयर के लिए हम लोग ने उसको एडमिट किया है उसी के अकॉर्डिंगली वो मैं बता दूंगी आपको अगले, मतलब जितने और हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें बता देंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। इसके बाद में 2 मेथड और हैं आपकी, कैपिटलाइजेशन मेथड है आपका और एक सेकेंड, और आपका सुपर प्रॉफिट मेथड्स है मेथड है। ठीक है, ये सारा ही हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, सारी ही चीज़ें हम लोग इस सीरीज में अपनी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। तो किसी को अगर ये PDF चाहिए तो चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकता है, सॉरी ब्लॉग से जाकर के डाउनलोड कर सकता है इस PDF को। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।